सैम पिट्रोडा जी, रजविंदर जी, मधु याक्षी जी, मिलिंद देवरा जी, प्रनीत कौर जी, हिमांशु जी, राजविंदर जी, हरजिंदर जी, अवतार सिंह जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी और मिस्टर फोकर रूए, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर. फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार. शुरुआत में ही मैं क्लियर कर देता हूं, आपने बोला कि शायद मेरी सोच मुझे गुरु नानक जी से मिली. नहीं, शायद नहीं मिली, 100% मुझे मेरी सोच वहीं से मिली है. और शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब जरूरत पड़ी थी तो आप लोग सब हमारे साथ खड़े होकर लड़े और पंजाब में आपने हमारी सरकार बनाई. अंग्रेजी में कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. मतलब जब मुश्किल होती है, जो आपके साथ खड़ा होता है वो सच्चा दोस्त होता है. और आपने ये करके हमें दिखाया, तो इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद. प्रणीत जी, आपने कहा कि यहां भीड़ में नॉन कांग्रेसी भी लोग हैं, और आज मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि जो कांग्रेस शब्द है इसका मतलब क्या है, और फिर मैंने जवाब भी दे दिया. इसका मतलब है जो भी हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ता है. और आप जरूर कांग्रेस के संगठन में नहीं हो, मगर कांग्रेस आपके दिल में है. हमारा काम आपको अपने संगठन में लाने का है, मगर जो सोच है वो आप सब में है. मैं ये बात कैसे कह रहा हूं, अगर ये आपके अंदर सोच नहीं होती तो आप हिंदुस्तान को छोड़ के जर्मनी में आके अकेले काम करके सक्सेस कभी नहीं पा सकते थे. आपने यहां आकर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा है. आपने जर्मनी के लोगों को, यूरोप के लोगों को हिंदुस्तान के काम करने का तरीका दिखाया है. आज पार्लियामेंट हाउस में मेंबर ऑफ जर्मनी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरी बात हो रही थी. उन्होंने मुझे बताया, यूरोप के बनने के बाद हमारी स्ट्रेंथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. कह रहे थे, मैंने सोचा ये आपने अभी सीखा है, ये तो गुरु नानक जी के टाइम से हम बोल रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ जो है, हर एक व्यक्ति की आवाज सुनने की है. चाहे वो सबसे कमजोर व्यक्ति हो, सबसे गरीब व्यक्ति हो, हमारी जो फिलॉसफी है, और हर धर्म की, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की, हर धर्म की यही फिलॉसफी है कि जो लाइन में आखिरी खड़ा है उसकी मदद करनी है. यहां पे मेरे सिख भाई बैठे हैं, लंगर का जो कॉन्सेप्ट है कि क्या है, लंगर का यही तो कॉन्सेप्ट है कि कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी कमजोर हो, किसी भी धर्म का हो, भूखा नहीं जाना चाहिए. और ये बात कितने साल पहले हमारे प्यारे पंजाब में कही जा रही थी. बाकी दुनिया में लड़ाई हो रही थी. आजकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मगर सोच उस समय भी डेवलप थी. और यही काम हम करते हैं, जो गुरु नानक जी करते थे उन्हीं की सोच लेकर हम काम करते हैं. और वो अकेले नहीं थे हिंदुस्तान में, उनके जैसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने वही सोच का प्रयोग किया. हर प्रदेश में कोई ना कोई लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था.
हिस्टोरिकली, और यही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबकी है, सबके लिए काम करती है, और हमारा काम वो जो सोच है उसको फैलाने का है। आज हिंदुस्तान में जो सरकार है दूसरे तरीके से काम करती है। हमारा कंपटीशन चाइना से है, या रोजगार उधर जाएगा या फिर हिंदुस्तान आएगा, और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए हैं, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। हमारा काम लोगों को एक साथ लाने का है और देश को आगे बढ़ाने का, और यह काम हमने करके दिखाया है। मैं उदाहरण देता हूं, जब भी मेरा भाषण होता है मैं उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा हैं, चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। हर 24 घंटे 50,000 नए युवाओं को रोजगार मिलता है। हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है। लंबे भाषण होते हैं, नफरत फैलाई जाती है, मगर किसान आत्महत्या करते हैं, युवाओं को रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े, और जो काम आप यहां करते हो घर से आते हो, दूर से आते हो, आपने अपनी यहां जमीन बनाई, और कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आके नफरत फैलाता है, क्रोध फैलाता है। यह हमारा कल्चर है, यह आपका कल्चर है। मैं जर्मनी आया, घर से दूर, और आपके बीच में आया, मुझे दिल से लगा कि वापस हिंदुस्तान आ गया। मुझे लगा कि मैंने अपना परिवार दिल्ली में छोड़ा और बर्लिन में मुझे परिवार मिल गया। और यही रिश्ता आपके बीच में, हमारे बीच में। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है मगर आपकी भी सरकार है, और प्रणीत जी ने आपको थोड़ा सा सरकार के बारे में बताया, मगर मैं भी आपको यहां कहना चाहता हूं, कोई भी मुश्किल हो तो नीची के दरवाजे खुले हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे पास आइए। वो पंजाब की सरकार आपकी भी सरकार है, आपने भी उसको बनाया, और अगर कोई भी कमी होगी तो मेरे पास आइए, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। अब शायद इंटरेक्शन का प्रोग्राम है, बातचीत करने का प्रोग्राम है, मैं अपना भाषण यहां बंद करता हूं।